मैं राम अवतार नारनोलिया, अक्ष बी एस एफ कमांडेंट, भूतपूर्व विधानसभा चुनाव नौलगढ़ से बसपा प्रत्याशी। आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पार्क में खड़े हैं। यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती और 10 तारीख, आज जो 10 तारीख है वो ज्योतिराव फुले की जयंती के उपलक्ष्य में सर्व समाज के द्वारा ब्लड कैंप डोनेट किया जा रहा है, जिसमें बहुत संख्या में लोग अपना भूतवजन जो लोग हैं वो अपना भागीदारी निभा रहे हैं। जो यंग ब्लड है वो नए भी लड़के हैं, वो नई पहली बार खून दे रहे हैं और इससे लोगों को आने वाली पीढ़ी के लिए एक ये खून किसी के भी लिए काम आ सकता है, चाहे वो कोई भी समाज का हो। और इस समाज में एक आज ही नहीं कल परसों 3 दिन से लगातार, पहले नौलगढ़ में ही 2-3 जगह लग चुका है, जो कि एक बड़ी मुहिम है जो पहले कुछ लोग ही लगाते थे, लेकिन आज आमजन इसमें भागीदारी निभा रहा है और सर्व लोग के लोग आप इसमें उत्साहित हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो 14 अप्रैल को मनाई जाएगी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। इसी प्रकार से 14 तारीख को ही बसावा में भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, हर गांव में होने वाला है, हर घर में होने वाला है। ये जो सर्व समाज के लिए एक दीपावली का फंक्शन है उसी के रूप में मनाया जाएगा समाज द्वारा ये, और कमेटी द्वारा जो बाबा साहब अम्बेडकर की नौलगढ़ जो कमेटी है वो भी इसका प्रोग्राम की बना रही है और एक बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और कार्य करेंगे। आज महात्मा ज्योतिराव फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, उन दोनों महापुरुषों की जयंती टाइम से पहले ही अपन दोनों की एक ही दिन मना रहे हैं, क्योंकि 11 अप्रैल को ज्योतिराव फुले जी की जयंती आती है और 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती आती है। उस दिन जगह जगह रैलियां और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, इसलिए अब ये लोग हमने मतलब कि सभी ने मिलकर ये सोचा कि दोनों दिनों को एक दिन रखकर हम ये रक्तदान शिविर का आयोजन करें, इसलिए ये रक्तदान शिविर का आयोजन 10 अप्रैल को अम्बेडकर पार्क में हो रहा है। और ये द्वितीय रक्तदान शिविर है, प्रथम रक्तदान शिविर 2022 में हमने करवाया था, इसी पार्क में किया था और आज बहुत युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है और सभी रक्तदाताओं को हेलमेट वितरण किया है। तो ये रक्त से तो हम जीवन बचा सकते हैं और हेलमेट से भी हम जीवन बचा सकते हैं, क्योंकि हेलमेट पर जब बाइक पर जब युवा चलता है उनके पास हेलमेट नहीं होने की वजह से अपन देखते हैं बार बार अखबार में न्यूज़ में खबर छपती रहती है किसी के घर का चिराग बुझ गया, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी का घर का चिराग भी न बुझे, उसे हेलमेट से तो ये ज़िंदगी बचेगी। और रक्तदान से आपको पता ही है एक यूनिट से काफ़ी लोगों की जीवन बचती है, और हम ये नए नए युवकों को प्रेरणा भी दे रहे हैं कि आप आओ और रक्तदान करें। कार्यक्रम के बारे में विशेष क्या रहेगा? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा ज्योतिबा जी फुले की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पार्क में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी युवा साथी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और बड़े जोश के साथ रक्तदान कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दे रहे हैं कि किस तरीके से रक्तदान करके किसी ज़रूरतमंद की जान बचाई जा सकती है, और एक ये समाज के लिए अच्छा संदेश भी है। पहले लोग डरा करते थे ब्लड देने से, लेकिन आज का युवा जैसे ही थोड़ा समझदार होता है वो रक्तदान करने लग गया है, ये एक अच्छी बात है। और मैं तो चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इस बात के प्रति सजग रहे, जागरूक रहे, ताकि कोई ज़रूरतमंद पीड़ित व्यक्ति को समय पर ब्लड मिल सके, किसी की जान बचाई जा सके। साथ ही आज ये ब्लड कैंप के अंदर हेलमेट भी वितरित किया गया है, ताकि बाइक चालक को अगर कोई परेशानी होती है, दुर्घटना होती है, तो उसका शिकार ना हो हेलमेट की वजह से, उसकी भी सुरक्षा हो, जान बचाई जा सके। मैं तो कहता हूँ ऐसे सारे सामाजिक सरोकार के कामों को करने वाले लोगों को मैं तो दिल से धन्यवाद देता हूँ, और ऐसे मुहिम से ज़्यादा लोग जुड़ें और समाज को फ़ायदा पहुँचे। धन्यवाद। डोनेशन का जो महत्व है उससे क्या होता है, एक तो निस्बत जो जाँच हो जाती है, और लगातार ब्लड डोनेट करने से हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है, जिससे अपन हृदय जो रोग होता है उस रोग से अपन बच सकते हैं। एक लगभग 450 ml ब्लड डोनेट करने से लगभग 650 कैलोरी ऊर्जा नष्ट होती है, जिसका वापस से संतुलन हो जाता है। इसलिए निरंतर ब्लड डोनेट करने से क्या होता है कि शरीर में आयरन की थोड़ी मात्रा कम होगी, जिससे हृदय रोग से अपन बच सकते हैं। इसलिए मेरा ये संदेश है कि जहाँ भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, निरंतर रक्त डोनेट करते रहना चाहिए, जिससे किसी आम व्यक्ति की जान भी बच सकती है। यही मेरा संदेश है।